हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हितेश्वरीज किचन। आज हम लोग वेज बिरयानी बनाएंगे। उसके लिए मैंने 4 कप पानी उबालने रखा है और मैंने बासमती राइस 1 कप धो के, अच्छी तरह धो के इसे भिगो के रखा था। मैं इसमें डाल देती हूँ और इसी के साथ इसमें 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, स्टारफुल, 3 छोटी इलायची और 1 दालचीनी डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। जब तलक हमारे राइस हो रहे हैं, तब तलक मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल लिया है और मैं प्याज की स्लाइस को फ्राई कर लूंगी। मैंने ज़्यादा तेल नहीं लिया है, इसे ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है और फिर इसे साइड में रख देना है। जब तलक हमारे प्याज हो रहे हैं, तब तलक मैं खीरे का रायता बना लूँगी। मैंने ये हंकड़ लिया है और मैं इसे अच्छी तरह फेंट लेती हूँ। अब मैं इसमें खीरे को ग्रेट करके डालती हूँ। अगर आपको कट करना है तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हो। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर और मैं काली मिर्च की जगह थोड़ा सा सफेद मिर्च की पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, अच्छे से मिला लूंगी। थोड़ा सा हरा धनिया। रायता हमारा रेडी हो चुका है, मैं इसे एक साइड में रख देती हूँ। चावल हमारे पक चुके हैं, मैं इसे छलनी में डाल देती हूँ। ब्राउन हो चुके हैं, मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिला लूँगी ताकि हमारे चावल में शाइन आ जाए। ऐसा ऑयल लिया है, यही पैन में मैं 2 चम्मच घी भी डाल रही हूँ। थोड़ा सा शाही जीरा डाल रही हूँ। दो तेज पत्ते डाल रही हूँ। 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची डाल रही हूँ और मैं स्लाइस किया हुआ प्याज डाल देती हूँ। अब मैं इसमें, मैंने 2 मिर्च ली है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, वो डाल रही हूँ
अदरक की पेस्ट और लहसुन, थोड़े से गाजर, थोड़े से बीन्स और थोड़े से हरे मटर। दो टमाटर मैंने बारीक चॉप किए हैं वो डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया जीरे का पाउडर थोड़ा सा, थोड़ा सा गरम मसाला, सब अच्छे से मिला लूंगी। और इसे ढक के 2-3 मिनट के लिए पकने दूंगी। टमाटर हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। यही टाइम पे मैं दही डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिला लूंगी। आधी सब्जी निकाल लेती हूँ। अभी मैं इस पे ये चावल डाल रही हूँ। थोड़े से फ्राई किए हुए प्याज भी डाल रही हूँ, पुदीने के पत्ते, सब्जी, हरा धनिया, थोड़े से फ्राई अनियन, पुदीने के पत्ते, अबन, दो तीन मिनट हो चुकी है। बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे प्लेस कर रही हूँ। बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी कलरफुल लग रही है। ये टेस्ट में भी इतनी अच्छी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।